तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और रात को मैं बहुत लेट से सोया था, लगभग 12-1 बजे, और आज उठते उठते 8 बज गया है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, आज मेरा पिकअप को धोना है, बाइक को धोना है, और अभी उठ के मेरे को एक वीडियो भी एडिट करना है। और मेरे बिस्तर में देखिए बोर्ड परमानेंट रहता है, और रात को सोने से पहले मोबाइल चार्ज में चढ़ा देता हूँ। ये देखिए चार्ज हो चुका है, और रात को बहुत पानी गिरा था, पर मेरा पावर बैंक परमानेंट चार्ज रहता है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है अभी। ठीक है, उठता हूँ, पहले एक वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा ब्रश करने के लिए, और उसके बाद जाऊँगा गाड़ी धोने के लिए क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है और पूजा भी करना है। और चलिए दिखाता हूँ मैं कहाँ पर बैठ कर वीडियो एडिट करता हूँ। ये रहा मेरा बिस्तर, ये रहा, यहाँ मोबाइल रखता हूँ, मेरा रूम, इधर कुछ कुछ रहता है, बाहर बाहर, ये रहा यहाँ बैठ के एडिट करता हूँ। पूरा सामान लिखता पड़ा, ड्रोन टीवी लगा दिया, मेरा 2 GoPro, एक ये वाला और एक वाला से शूट कर रहा हूँ डॉगी। ये रहा लैपटॉप, लैपटॉप को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ये रहा देखिए मेरा गैजेट, कुछ ऐसा है, यहीं बैठकर एडिट करता हूँ। तो ठीक है, कुछ वीडियो एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं बाइक को धोने के लिए, और मेरा पिकअप है उसको भी धोने जाऊँगा, और कल पूजा भी करना है, विश्वकर्मा पूजा है, क्योंकि एक दिन पहले धो के रेडी कर लेता हूँ। मेरा हेलमेट राइडिंग वाला, कुछ ऐसा है मेरा रूम, देखिए कैसा लगा कमेंट करके बताइए। छोटा सा रूम है, यहीं सोता हूँ और एडिट करता हूँ। ठीक है, स्टोरेज फुल हो गया था तो हार्ड डिस्क में पूरा रखा हुआ हूँ, और अभी गोप्रो में भी लगा है, इसका भी स्टोरेज फुल है, मेमोरी लगा है, और एक लैपटॉप इधर है मेरे पास। इस लैपटॉप में डीजे चलता है। ठीक है गाइस, कर लेता हूँ जल्दी से एक वीडियो एडिट। तो गाइस कल मेरे घर में कर्मा पूजा है, तो कर्मा पूजा का भी ब्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे घर में कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है, जो जाई होता है लगाया जाता है, पूरे गांव वाले मेरे ही घर में आते हैं लेकर के, तो उसका ब्लॉग आप देखने के लिए रेडी रहिएगा। गाइस फाइनली अभी मैं एडिट कर चुका हूँ वीडियो, क्योंकि अभी मेरे को 2 घंटा लगा, 8:30 बजे एडिट के लिए चालू किया था, और अभी 10:30 बज रहे हैं समथिंग। मैन पार्ट का घाटी का ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को और बहुत सारे वीडियो एडिट करना है, मैं शूट करके रख लिया हूँ, एडिट कर रहा हूँ अभी, और बहुत जल्दी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और ये देखिए एडिट हो चुका है, अब इसको एक्सपोर्ट में चढ़ा देता हूँ, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगता है एडिट करने में, आधा घंटा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लंबा है तो कट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, जिससे टाइम लग गया। ये देखिए मैन पार्ट की घाटी, मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ शिमला के मैन पार्ट पर हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे प्यारा घाटी मैन पार्ट। तो अब यहाँ से जाऊँगा मेरा पिकअप को धोने के लिए, देखता हूँ टाइम रहेगा तो बाइक को भी धोऊंगा, नहीं तो कल धो लूँगा, क्योंकि आज तो पिकअप धो लूँगा, कल टाइम बचेगा थोड़ा। ठीक है चलते हैं, ये रहा पिकअप की चाबी, चलता हूँ यहाँ से अब आगे। ये रहा बुलेट बाइक, और इधर प्लेटिना है, तो देखता हूँ इन लोग को कल धोऊंगा। इधर स्कूटी है, रामलाल भाग रहा है, रामलाल, और इधर घास रखा हुआ है, और इधर अपाची है, और घर का पोताई हो चुका है। और गाइस अभी कुआं के साइड आया हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखिए, और नींबू फल रहा है। कुआं में
मछली है, निकल रहे हैं छोटे छोटे मछली, घी को डाल देता हूँ खाएंगे। पका हुआ बीही को मछली लोग खाते हैं। अरे देखिए बीही इधर, और इधर धान, धान में बाली आ रहा है, धान निकल रहा है, धान का पौधा है, ये धान है, धान भी आ रहा है। लगता है एकाध डेढ़ महीना में तो रेडी हो जाएगा, एकाध महीना में धान, तो धान फसल कटने का भी ब्लॉग आएगा। पहले चलता हूँ, मौसम ख़राब है, देखता हूँ गाड़ी धोने भी जाना है। ठीक है चलते हैं, देखते हैं जैसा भी है, पानी गिरेगा तो कुछ लेट में धोऊंगा और नहीं गिरेगा तो चलूंगा धोने के लिए पिकअप। अभी मैं आया हूँ गाड़ी धोने के लिए रितेश भाई के घर में, और ये रहा मोटर, उसी से गाड़ी साफ होगा, धुलाई होगा, और ट्यूबवेल से पानी चालू हो चुका है, इसमें भरेगा। और ये रहा पिकअप, पिकअप का धुलाई करूँगा और कल धोऊँगा मैं अपना बुलेट बाइक और प्लेटिना को और बाकी जितने भी स्कूटी अपाचे हैं सबको, और कल पूजा पाठ होगा। और ये रहा गन स्प्रे के लिए, और पिकअप बहुत ज़्यादा गंदा है, देखिए मेरा सोनू डीजे बडगांव मेरा नंबर, क्योंकि मैं डीजे का काम भी करता हूँ, और इतने सारा है उधर से रुवास करते हैं पहले। अरे निरमा उर्मा ले आया है, और इसका कार का भी धुलाई होगा कुछ देर बाद, पहले मेरा पिकअप को धुलाई कर लेता हूँ। ठीक है करता हूँ पहले धुलाई, इसके बाद मिलते हैं आपसे। पूरा भी धुलाई होगा, पंप रेडी हो रहा है, ये ढक दिए ताकि इसको पानी ना पड़े इसके इंजन में, और गन चालू हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, दे तो मेरे को मारने दे, ये देखिएगा ये चालू हो चुका है, कितना प्रेशर है देखिए। गाड़ी धुलाना है, बहुत पैसा लगेगा, पूरा गाड़ी एकदम साफ हो जा रहा है, ये देखिए। तो गाइस फाइनली अभी मैं गाड़ी धो के आ चुका हूँ घर, और शाम भी हो चुका है, और वहाँ मैं कुछ ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं टाइम लैप्स ले रहा था तो मेरे ध्यान से उतर गया कि बैटरी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बैटरी लेके नहीं गया था, तो मैं सोचा रूम में जा के एंड दूँगा, और जा रहा हूँ अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और इसके बाद जाऊँगा वीडियो पोस्ट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।